तो गाइस, क्या आप भी फायर एमसी खेलते हो? हाँ। और फायर एमसी में हार्ट स्टील खेलते हो? हाँ। और हार्ट स्टील में आपका बेस है? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांच कुछ ऐसे बेस जो कि आप बिल्कुल ही इजी सेफली बना सकते हो, बिल्कुल सेफली मेरी तरह। लाइक आपको पता है, आपने मेरी लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा कि लाइक जो मेरा बेस है कभी भी टूटता नहीं है। और मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे पूछा कि भाई मुझे बताओ आपका बेस कहाँ पर होता है ऐसा। और लाइक खुद ही एडमिन ने भी एक बार बोला था, भाई तुम बेस बनाते तुमको डर नहीं लगता? मतलब तुम्हारा बेस कभी रेडी नहीं होता भाई। और भाई मैं ही एक गधा हूँ जो कभी कभार लाइव स्ट्रीम पे F3 दबा के अपने बेस का कोऑर्डिनेट दिखा देता हूँ तो तोड़ना पड़ जाता है। बट टेंशन मत लो, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अतरंगी से बेस जहाँ पर अगर आप बेस बना लेते हो तो शायद ही किसी को ना मिले, अगर फ्री कैम यूज ना करे वो तो, और हैक यूज ना करे तो। बट मिल गया तो भाई इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है? कुछ भी LIC पॉलिसी मेरे पास है नहीं, तो ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा पहले क्रिएटिव में। तो फायर एमसी में क्रिएटिव में नहीं जा रहा मैं, डोंट वरी, फायर एमसी में क्रिएटिव में नहीं जा रहा हूँ मैं जाऊंगा दूसरे वर्ल्ड में, ठीक है समरिया, सोलो वर्ल्ड में। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने नॉर्मल वर्ल्ड में। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या ही करना है। मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में आपको मैं सिंपल करना तो कुछ नहीं है, मतलब आप तो फायर SMP में खेल रहे हो, जाहिर सी बात है। मतलब आपको सिंपली मैं यहाँ पर बताऊंगा कि बेस आपको कहाँ बनाना है। अभी सिंपल देखो, ओशन ये इतना बड़ा है, ठीक है, ओशन इतना बड़ा है। अब आप बोलोगे भाई हम विलेज कैसे लाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, विलेजर आपको पता है कि एग मिल जाते हैं विलेजर के, तो आप वहां से कर सकते हो। आप ऐसे यहां पर ओशन के बीच में एक बेस बना सकते हो। आई थिंक मैंने यहां पर बना भी रखा है, तो मैं जाके चेकआउट करता हूं कि आप ऐसा बेस बना सकते हो। मतलब सिंपली यहां पर 59 पे जाके, तो पहले एक्सपेक्टेड मोड में चला जाता हूं मैं, एंड आप देखोगे यहां पर कि आपको एक बेस दिखेगा, दिख गया? तो सिंपली आप ऐसे बेस एक क्रिएट कर सकते हो सीधा ओशन के नीचे, तो शायद वो यहाँ पर बंदों को दिखे ना, है ना, कि वहाँ पर भी एक बेस हो सकता है ओशन में। तो आप ऐसा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने छोटा सा एक बेस क्रिएट किया है सिंपली ऐसा दिखाने के लिए आप लोगों को, है ना। तो आप ऐसे एक ओशन के बीच में बना सकते हो बेस अपना। अभी मैं आपको चार और बेस बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाँचवा वाला तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि उसको स्किप किया तो बेस टूट सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड है बेस, वो है यहाँ पर हमारा सीधा नेदर में। अभी आप बोलोगे नेदर में कैसे बनाए, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर आप सोचोगे भाई हम सिंपली ऐसा यहाँ पर डिक करके जाते हैं नीचे नीचे और नीचे बना लेंगे, ऐसे मत बनाना, ठीक है। मान लो जहाँ पर बहुत सारा लावा हो, लाइक सी ऐसे, मैं आपको बता नहीं रहा कि ऐसे मैं बनाऊँ मतलब, पर मान लो ऐसे लावा है दूर दूर तक, तो ऐसे लावा में सिंपल क्या करो, ऐसा पोशन, मतलब अरे भाई मेरे को अपने ऊपर मारने का था, ओके यहाँ पर मैं अपने ऊपर पोशन मार लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास लावा है, एंड सीधी भाई सीधा नीचे डुबक मार लो। जैसे आपने डुबक मारा, एंड उसके बाद सीधा यहाँ पर खोदो, नीचे जाओ, एंड नीचे जाके ऐसा करो, एंड ऊपर एक कोई ऐसा ब्लॉक ले लो, है ना, जो ऊपर से लावा बंद कर सको, और ऊपर की साइड से लावा बंद करो, और यहाँ सिंपली देखो लावा खत्म, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आपको कैसा बेस क्रिएट करना है सिंपली, और नीचे जाता हूँ तो देख सकते हो आप कुछ ऐसे करके एक बेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी लावा के नीचे की साइड। क्योंकि अगर आप लावा के नीचे की साइड करते हो तो गाइस ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हाँ, तो एक चांसेस होता है अगर आप यहाँ पर लावा के नीचे ऐसे करके बेस बनाते हो, हाँ, तो आपको कोई नहीं देखेगा और बेस आपका सेफ रहेगा, ठीक है। अभी हो गई बात ये वाली कि आप सेकंड या आपका बेस अच्छा लगेगा, एंड आप सोच रहे हो भाई यहाँ पर विलेजर्स, तो वही चीज मैं सेम बताऊँ आपको, आप विलेजर्स ऐसे ला सकते हो सिंपली एग, क्योंकि एग आपको पता है लाइव स्टील में एग मिल जाता है विलेजर का, तो आप वहां पर ऐसे ऐसे कर सकते हो सिंपल। बस बेड पे हाथ मत मारना वरना पूरा आपका बेस बिना किसी TNT के। ओके, तो थर्ड जो हमारा बेस होने वाला है वो होने वाला है कुछ विलेज के पास। तो आप लोगों को पता होगा कोई कोई यहाँ पर हैं जो विलेज एग नहीं खरीदते, मतलब विलेजर एग नहीं खरीदते, वो सीधा विलेजर ढूंढते हैं। बट वो लोग लाइक ऐसा क्या करते हैं, लाइक सिंपली आपने विलेजर यहाँ पर लिए, उनको कैद करा और नीचे चार पांच लाइक ब्लॉक खोद लेते हैं और वहीं पर विलेजर कैद कर लेते हैं और बस काम खत्म हो गया। बट वो आप करते हो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है और उसने अगर विलेज देखा तो वो नीचे भी चेक करेगा कि नीचे ब्लेजर्स हैं कि नहीं, और उसको अगर ब्लेजर दिख गए तो वो यूज नहीं करेगा वो, बल्कि उनको मार के चला जाएगा और आपका बेस लूट लेगा, ठीक है समरिया। तो सिंपली उससे बचने के लिए आपको क्या करना है मैं बताऊं आपको, आप पहले वहां पर एक सबसे जितने भी यहां पर ब्लेजर्स हैं उनको कर लेना कलेक्ट, ठीक है। जितने ब्लेजर्स हैं आप इनको सिंपली एक घर में पहले पैक कर लो, और फिर उसके बाद सब ब्लेजर्स को ले जाओ नीचे, ठीक है, सब ब्लेजर्स को यहाँ पर ले जाओ नीचे। जैसे मैंने आपको सिंपली यहाँ पर दिखाया है एक बेस यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, तो मैं यहाँ पर भी जाके दिखा देता हूँ आपको,
ठीक है। तो आप देखोगे नीचे बेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा। तो ये मैंने कोई सिंपली ही बेस बनाया, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया, जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया। तो आप ऐसा बेस एक सिंपली बना सकते हो बिल्कुल नीचे जाके, ठीक है। आपने ऐसा बेस तो बना लिया, मान लो अभी यहाँ पर ये ऐसे करके अगर रैंडमली मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर रैंडमली जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ ओ भाई यहाँ तो ऐसा विलेज है ना, और तो मुझे जाहिर सी बात है अगर मेरे को यहाँ पर एक भी विलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ चेक करूँगा भाई विलेजर है कि नहीं है, नहीं है, फिर उसके बाद मैं फ्री कैम चेक करूँगा और मैं देखूँगा ओ भाई नीचे तो है। मतलब अब सिंपली जब अगर ऊपर विलेज ही दिख रहा है मेरे को तो नीचे विलेजर्स भी दिखेंगे ना। तो वही चीज़ आप सिंपली क्या करना, जब आप लोग अगर अपना ये ऐसे बना रहे हो, मतलब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं आप बेस बनाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा, यहाँ जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये सब घर को तोड़ देना, प्लस जो ये येलो डॉट होती है इसको भी यहाँ पर तोड़ देना। मतलब यहाँ पर इसको बिल्कुल ऐसा कर देना जैसे नॉर्मली ऐसा होता है। तो आप ऐसा कर दोगे अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ से तो वो निकल जाएगा सीधा, ठीक, कि जब यहाँ से कोई बंदा निकले उसको ये चीज़ दिखाई ना दे, तो अगर ये चीज़ दिखाई नहीं देगी तो वो बंदा यहाँ पर चेक ही नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे थर्ड विलेज मतलब थर्ड बेस आपको कैसे बनाना है, किस टाइप का बनाना है ना। अब चलते हैं यहाँ पर फोर्थ की तरफ, मतलब फोर्थ बेस की तरफ कि कहाँ पर आपको बनाना। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था मैं मीडिया किट का एक गिववे करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने मीडिया किट का जो पूरा किट है वो यहाँ पर रख दिया है शल्कर में, और कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहे होंगे ऊपर मैप में। चलो मैप में नहीं दिख रहे तो एक बार मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, F3 दबाकर तो कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे। तो सिंपली यहाँ पर जिसने पहले वीडियो देख लिया उसको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब जो यहाँ पर पहले आएगा तो उसको पूरा मीडिया किट मिल जाएगा। तो आई होप आपने ये चीज़ देख ली होगी, तो लाइक भी कर देना। ओके तो गाइस फोर्थ हमारा जो बेस होने वाला है वो होने वाला है एंड में, क्योंकि जो फायर एमसी में यहाँ पर हमारा एंड में जो बेस है आपको ही पता है मेरा बहुत ज़्यादा दूर है, तो आई थिंक शायद उसका जो वर्ल्ड बॉर्डर है शायद आई थिंक सो 30,000 या 35,000 कुछ है वर्ल्ड बॉर्डर फायर एमसी में एंड का। तो आप भी उधर की साइड बना सकते हो। अभी सिंपली आपको बनाना कैसे है कि लाइक ये नहीं आप सिंपली ऐसे टापू पे आ गए और आपने वहाँ पर ऐसा बेस बना लिया ऐसा कोने में, वो चीज़ मत करना। सिंपली आपको क्या करना है, ऐसा आओ पहले लावा छोड़ो, ठीक है, लावा ये जाएगा नीचे। अब आपको इसका वेट करना है पूरा ही जब तक 0-1 पे ना चला जाए। ओके तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लावा यहाँ पर रुक चुका है, मतलब यहाँ पर एंड में रुक चुका है यहाँ तक, ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पर। अगर मैं सिंपली इसको बोलूँ तो ये यहाँ रुक चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली अभी यहाँ पर आपको सिंपल इधर डाल दो इधर पानी, ऐसा करके आप पानी डाल दो। लाइक अगर मैं ऐसा, अरे पानी किधर है भाई, हाँ पानी अभी मैंने डाल दिया यहाँ पर पानी। अब ये सीधा यहाँ तक जाएगा ऐसे करके, है ना, ये नीचे तक पूरा पानी पानी चला जाएगा। मतलब आपको नीचे जाने का एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि लाइक अगर ऐसे जाओगे तो गिर जाओगे भाई, आपका आर्मर वगैरह चला जाएगा। तो ये चीज़ तो गलती मत करना, कहीं ऐसे ही कूद मरो ना, ना कूदना नहीं है, ठीक है, ऐसा पानी डालना पहले आराम से, ठीक है। आप सिंपली ऐसा पानी डालोगे तो सिंपली पहले आप एक चीज़ ये कंफर्म कर लेना कि आपका जो बेस है ऐसे लाइक खुले एरिया में ना हो, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको लाइक ऐसे करके इसको पहले दूर तक लेके जाओ किसी एक चीज़ के नीचे, लाइक सी इसके आप मान लो ऐसे करके आप इसके नीचे चले गए लाइक ऐसा, ठीक है। तो मैंने तो आपको सिंपल टिप्स बताने के लिए ऐसा छोटा सा टापू लिया है, बट आप एक बड़ा सा टापू लेना, समझ गए, बड़ा सा टापू लेना है। लाइक जैसे मान लो ये वाला था, ठीक है, ये वाला टापू था, आपको ऐसा इसके नीचे लेना है, पूरा इसके नीचे की साइड आ जाना है। एंड यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर भी एक ऐसा बेस बना सकते हो। अगर ये वाला बेस बनाना है आपको, आप ऐसे सिंपल एक बेस बना सकते हो, बट ये थोड़ा ओपन रहेगा, ये फार्म्स के लिए अवेलेबल है। तो मान लो आपको जो वो मैंने बताया था अभी, ये बताया था फार्म के लिए, ठीक है, आप ऐसे फार्म बना सकते हो। अगर आपको अपने लिए बनाना है सिंपली तो आप ऐसे करके बना सकते हो, यहाँ पर मानो आपने ये चीज़ कर ली, ठीक है, ऐसे करके आप बना लो। एंड उसके लिए आप जो चीज़ होगी कि आपको डर भी लग रहा है कि लाइक हमारा बेस टूट ना जाए, तो सिंपली आप उसके लिए ऑब्सीडियन यूज़ कर सकते हो, एंड आसपास आप अपने लिए ऑब्सीडियन लगा सकते हो लाइक सी, ठीक है, सिंपल। तो आप यहाँ पर भी ऐसे करके एक बेस बना सकते हो, एंड सिंपली यहाँ पर थोड़ा ढूंढना बंदों को मुश्किल हो जाता है, बाकी चंक बॉर्डर के हिसाब से कि आप कितना पास बनाते हो और कितना दूर बनाते हो। अभी चलते हैं पांचवें बेस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा ओपी है, एंड अभी तक का मेरे सबसे फेवरेट है। तो गाइस अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट बेस आपको पता है, नहीं तो आपको मेरे पीछे वो दिख रहा है ओशन मॉन्यूमेंट, ठीक है, तो बिल्कुल सही समझे, उसी में आपको पांचवा बेस बनाना है अपना अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट बेस। क्योंकि कोई भी उड़ के जाता है या कोई भी यहाँ से जाता है तो लाइक ओशन मॉन्यूमेंट पे इतना ध्यान नहीं देता है। तो आपको मैं सिंपली दिखाता हूँ ओशन मॉन्यूमेंट में आप कैसे बेस बना सकते हो। सबसे पहले तो भाई आपको पता है यहाँ की जो मछलियाँ होती हैं उन सबसे आपको फाइट लेके उनको भाई मारना पड़ेगा, वरना आपका बेस नहीं बन सकता,
है ना। बट हाँ, अगर बनाना चाहो फिर भी बना सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास लाइक दूध की बाल्टी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना बार बार पता है ना माइनिंग फटीक लग जाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे बेस बना सकते हो सिंपली। अभी मैं अगर आपको दिखाने के लिए बनाया, मैंने सिंपली आपको दिखाने के लिए, आप ऐसे बेस बना सकते हो, जैसे कि देख सकते हो कितना मस्त बेस लग रहा है, सिंपली है ना। बट हाँ, अगर आपको करना है तो आप नीचे तक इसको बेस ले सकते हो, लाइक यहाँ तक भी बना सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं बनाना, ठीक है, लाइक ऊपर नहीं बनाना, आप सोच रहे हो नहीं भाई ऊपर आप यहाँ पर दिख जाएगा, चलो ऊपर ठीक है दिख जाएगा, बट हाँ इसके नीचे भी बना सकते हो आप। लाइक नीचे अगर आपको बनाना, नीचे बना लो, कि लाइक ओशन मोन्यूमेंट के नीचे इतना जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो अभी तक का लाइक मेरे लिए सबसे फेवरेट बेस तो गाइस यही है, मानो चाहे मत मानो। तो अभी तक के लिए तो गाइस सबसे फेवरेट मेरा यही वाला बेस था ओशन मोन्यूमेंट का, क्योंकि किसी को ना इस पे ना लाइक ध्यान नहीं जाता, पता है, बिल्कुल लाइक बंदा ऐसा होके गुजर जाएगा बट आपका बेस देखेगा नहीं। तो आपको कैसा लगा गाइस, एंड कौन सा बेस आपको पसंद आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा बनाने वाले हो, वो भी बता देना, और कोऑर्डिनेट भी मत बताना कोऑर्डिनेट मत बताना, है ना। बाकी आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।